The first property which we are going to discuss today is refractive index. Refractive index क्या चीज होती है बच्चे? जब एक beam of light हम pass करते हैं from one medium to another. Here two mediums are, अगर easily identify करना है तो एक मेरे पास, if you see in the diagram, one is my rarer medium and second is my denser medium. एग्जाम्पल ले लो, एक मेरे पास एयर है, सेकेंड मेरे पास लिक्विड है. एयर की एयर विल ऑलवेज बी माय रेयरर मीडियम. मॉलिक्यूल्स जो है एज कंपेयर टू लिक्विड दे आर रैंडमली प्लेस्ड, है ना, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में इन एयर एज कंपेयर टू लिक्विड. सो इफ अ बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम और विस अ बेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, दोनों केसेस ले रही, तो क्या होगा, मेरी बीम ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर और दोनों मीडियम की डेंसिटी डिफरेंट है एक दूसरे से, तो मेरी रे ऑफ लाइट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन. इन रिफ्लेक्शन द यू नो आपकी जो डायरेक्शन है, ट्रेवल की डायरेक्शन है, वो सेम कॉन्टिन्यू चलती रहती है, वो चेंज नहीं होती. रिफ्रैक्शन में आपकी वो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है. सो दो केसेस बन सकते हैं. एक में दैट लाइट, इफ दिस इज द पाथ विच द लाइट इज फॉलोइंग और उसको यह पाथ फॉलो करना था डॉटेड लाइन, बट इट इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर रही है. सेकेंड केस में ये पाथ उसने फॉलो करना था एंड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस डॉटेड लाइन, ये जो मेरी डॉटेड लाइन है, दिस इज माई नॉर्मल, ठीक है बच्चे. सो दो केसेस हैं. फर्स्ट केस क्या है, अगर मेरी लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम मूव कर रही है, इट विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स नॉर्मल. And if my light is moving from the denser to the rarer medium, it will always move away from the norm. ठीक है बच्चे. If I try to explain कि why this thing happened and I take the example of this movement of light from rarer to denser medium, तो क्या होता है बच्चे, light मेरी rarer medium और air में move कर रही थी, जैसे ही वो interface पे strike करती है, interface पे मेरे molecules का arrangement closely packed है, यहाँ मेरे मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हैं. जैसे ही मेरी लाइट उस पर स्ट्राइक करेगी, इट विल इंड्यूस सम डाइपोल इन दीज मॉलिक्यूल्स. जैसे ही वो इंड्यूस करने की कोशिश करेगी, एनर्जी विल गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम माय लाइट टू माय मॉलिक्यूल्स. लाइट अपनी कुछ एनर्जी देगी इन मॉलिक्यूल्स को जो इंटरफेस डेंसर मीडियम के मॉलिक्यूल्स इंटरफेस पे प्रेजेंट थे, एंड this transfer of energy from light to the molecules, ठीक है, ये जो transfer of energy हो रही है light से मेरे molecules को, वो क्या करेगी, मेरी light की velocity को reduce कर देगी. अब मेरी light के पास energy as compared to what the energy is present in the rarer medium is less, ठीक है, तो मेरी light की velocity reduce हो जाएगी. velocity reduce हो जाएगी, that means my light की जो direction है, that will move towards normal. ठीक है बच्चे. ऑपोजिट इज द केस व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम. सो मूविंग अहेड, अब इसकी मेजरमेंट कैसे होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली स्मॉल इटैलिसाइज एन में हम डिनोट करते हैं. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और द वैक्यूम और द रेयर मीडियम टू दैट इन द डेंसर मीडियम. अगर मैं डिफाइन करूं एन क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम. अब बिकॉज वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड कर रहे हो, इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, कोई डायमेंशंस नहीं होंगे, है ना, यूनिट्स आपस में, बिकॉज इट इज अ रेशियो, आपस में कैंसिल हो जाते हैं. इट हैज नो यूनिट्स, नो डायमेंशंस. वेलोसिटी को मेजर करना कई बार नॉर्मली डिफिकल्ट होता है. सो इन ऑर्डर टू मेक इट, मतलब इजीली आप जिसको मेजर कर सको, उस फॉर्म में इस फॉर्मूला को अगर कन्वर्ट करना हो, इट इज गिवन बाय अ लॉ कॉल्ड द स्नेल्स लॉ. इट स्टेट्स दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट इज अ कांस्टेंट रेशियो.
जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगी, सॉरी लिक्विड की, इट विल ऑलवेज बी अ कॉन्स्टेंट रेशियो. रेशियो किसकी किसकी होगी? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन. हेयर यू कैन सी, ये मेरी इंसिडेंट रे थी. अगर मैं फर्स्ट डायग्राम की केस कंसिडर करूँ, दिस इज माई इंसिडेंट रे एंड दिस इज माई रिफ्रेक्टेड रे. ठीक है, ये मेरी रिफ्रेक्टेड रे है, ये मेरी इंसिडेंट रे. सो द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल फॉर्म्ड बाय द रिफ्रेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज माय एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन. सिमिलर इज द केस ओवर हियर. सेकेंड केस में भी सेम उसी तरह से, दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन मेरी अगर लिक्विड डेंसर से रेयरर में मूव कर रहा है, वो बिगर होगा एज कम्पेयर टू व्हेन लिक्विड इज मूविंग फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर. ये ऑब्वियस है क्योंकि उसमें मेरा अवे फ्रॉम नॉर्मल मूवमेंट हो रही है, यहाँ माई मूवमेंट इज टूवर्ड्स नॉर्मल. सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, एन विच इज माई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इट इज इक्वल टू साइन आई. आई इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन आर विच इज माई एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन. अब जितना आर की वैल्यू आपकी बिगर होगी, है ना, आर की वैल्यू जितनी बिगर होगी और द एन की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी, उतना द मीडियम इज रेयरर देन एयर हो जाएगा. जिस मीडियम में मूव कर रही है, इट इज रेयरर देन एयर. ठीक है, मैंने आपको यहाँ भी वही चीज समझाई थी, जितनी आर की वैल्यू ज्यादा होगी, दैट मीन्स माई my light is moving from a denser to the rarer medium. So you can say jitni r ki value meri zyada hogi, n ki value less than 1 hogi, that means my light is moving from a rarer from a denser to the rarer medium, or the medium in which my light is moving, it is rarer than air. theek hai bacche, if I consider ki meri incident light air mein thi, if n is greater than 1, कब ग्रेटर देन 1 होगी, व्हेन आर इज स्मॉल, दैट मींस माय मीडियम इज द इज डेंसर देन माय एयर. इन ये कौन सा मीडियम है जिसमें मेरी लाइट रिफ्रेक्ट हो रही है. इफ इट इज इक्वल टू 1, दैट मींस द मीडियम इन विच माय लाइट इज गेटिंग रिफ्रेक्टेड इज एयर और वैक्यूम. ठीक है बच्चे, सो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इट इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी ही करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की. This is a characteristic property of liquids. It is very much dependent upon kis wavelength pe aapki light move kar rahi hai. Second, at what temperature you are recording. Generally, jab aap report bhi karte ho apni refractive index ko, aap hamesha report karoge use with temperature and your wavelength of light. जब भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिपोर्ट होगी, इस पोजीशन पे यू विल राइट डाउन द टेम्परेचर एट विच योर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज रिपोर्टेड एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू विल राइट डाउन किस वेवलेंथ पे मेरी लाइट, मतलब मेरी लाइट की क्या वेवलेंथ थी जिसकी हमने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नोट की है. जर्नली हमारी जो लाइट है ये सोडियम डी लैम्प लाइट इज जर्नली यूज टू मेजर द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर. ठीक है बच्चे, सो नेक्स्ट आ जाती है मेजरमेंट ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने करनी है उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, कैसे आप उसको मेजर करते हो. सेकंड, द इक्विपमेंट विच इज यूज फॉर इट्स मेजरमेंट वो आपने करनी है. थर्ड, आपने उस प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन करनी है. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज डन यूजिंग एन इक्विपमेंट कॉल्ड द एबेस रिफ्रेक्टोमीटर. Abbe's refractometer का principle क्या है? It works on the principle that the velocity of light changes when it passes from one medium to another. जब light एक medium से दूसरे medium में जाती है, its velocity changes. On that note, on that principle, this Abbe's refractometer works. इसकी construction बहुत simple है बच्चे. In its construction, Abbe's refractometer consists of first the telescope. इसमें एक telescope present होता है. This telescope is the part from where you will note down कि आपकी कितनी light जो है वो refract हुई और किस angle पे वो refract हुई. ठीक है बच्चे, the second important part of my Abbe's refractometer is my prism assembly.
दो प्रिजम्स होते हैं. फर्स्ट वन विच इज फेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट इज योर इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म, एंड द सेकेंड वन विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स योर टेलीस्कोप इज कॉल्ड द मेजरिंग और रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म. इसको रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म भी बोलते हैं. ये मेरी प्रिज्म असेंबली है. थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माई एबिस रिफ्रेक्टोमीटर इज माई सोर्स ऑफ लाइट, बिकॉज वी नो दैट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय किस वेवलेंथ पे आप अपनी लाइट को प्रोजेक्ट कर रहे हो, या किस वेवलेंथ की लाइट आपकी प्रोजेक्ट हो. इन दोनों प्रिज्म असेंबली के सेंटर में यू बेसिकली प्लेस योर सैंपल. इतना डिफरेंस नहीं होता इन दोनों प्रिजम्स के बीच में, बहुत माइन्यूट आपका नैनोमीटर माइक्रोमीटर की रेंज में डिफरेंस होता है. बहुत कम सैंपल, नियरली अ ड्रॉप ऑफ सैंपल गोज इन बिटवीन दीज टू प्रिजम्स. तो क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट से आपकी लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है, एंड इट गेट रिफ्रेक्टेड वाइल इट पासिस थ्रू द सैंपल विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू प्रिजम्स, एंड दिस रिफ्रेक्टेड लाइट इज बेसिकली रिकॉर्डेड ऑफ दिस टेंस. ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है आपकी एबिस रिफ्रेक्टोमीटर. इफ आई टॉक अबाउट द वर्किंग, दिस इज योर सोर्स ऑफ लाइट. मिरर इज बेसिकली यूज टू इंसिडेंट योर लाइट सोर्स टू वर्ड्स योर प्रिज्म. सो द लाइट, this is your illuminating prism, first set of prism. This is your refracting prism, इसको measuring prism भी बोल देते हैं. In between these two, there is present few micro or nanometer distance in which you basically place your Leakage sample. तो light आपकी incident होगी, it will get refracted and that refracted angle will be noted down by the telescope. Illuminating prism में से आपकी light pass होती है, सैंपल उसको रिफ्रेक्ट करता है. रिफ्रेक्टिंग प्रिज्म का रोल क्या होता है, ये बेसिकली लाइट को यू नो रिफ्रेक्ट करके वापस टेलीस्कोप तक पहुंचा देता है. इफ यू डोंट यूज दिस रिफ्रेक्टिंग प्रिज्म तो आपकी लाइट इतनी ज्यादा रिफ्रेक्ट होती है कि आपकी टेलीस्कोप की मूवमेंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस में हो जाती है. सो दिस बेसिकली यू नो डायरेक्ट योर रिफ्रेक्टेड लाइट टू वर्ड्स योर टेलीस्कोप. सो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ योर एबिस रिफ्रेक्टोमीटर. अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ, जो जनरल एप्लीकेशंस की थी उसमें हमने क्या बात की थी, यू कैन आइडेंटिफाई द कंपाउंड इफ यू नो द फिजिकल प्रॉपर्टी विच होल्ड्स ट्रू फॉर योर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. यू कैन चेक द प्योरिटी ऑफ योर कंपाउंड, बिकॉज एवरी कंपाउंड इफ इट इज प्योर इन नेचर, वो प्योर है तो उसकी वो फिजिकल प्रॉपर्टी भी फिक्स्ड होगी, उसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी फिक्स्ड होगी. इफ सम इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट तो जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कोई ना कोई डेविएशन वो शो करेगा. यू कैन डिटर्मिन द कंसेंट्रेशन इन विच योर सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन बाय सिंपली चेकिंग द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. नेक्स्ट यू कैन कैलकुलेट फ्यू अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, लाइक मोलर रिफ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड इफ यू नो द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यूजिंग सिंपल फॉर्मूला.